yes hi everyone good evening can you all see me can you hear me yes सबको दिख रहा है प्रॉपरली बताइए तो yes. सब सब यार आज बहुत सारी चीजें हो गई बहुत सारी मैं क्या बताऊं तो मैम बहाना मार रही है बट ये सच बात है ठीक है बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई बट एनी वे हम आफ्टरनून गुड आफ्टरनून करने की जगह सीधा गुड इवनिंग पे आ गए क्योंकि बहुत सारी चीजें बेटा मैंने चेंज करी है न्यू सेटअप एवरी सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम नया सॉफ्टवेयर डाला सॉफ्टवेयर में अलग ही पंगे आवाज नहीं आ रही ये नहीं हो रहा बट यस फाइनली आफ्टर सो मेनी हर्डल्स वी आर हेयर है ना ऑल इज वेल दैट एंड होता नहीं है सब अच्छा बेटा अगर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं है ना लास्ट में अगर अच्छा हो जाए तो सब अच्छा ही है है ना फाइनली अपनी क्लास आज की शुरू हो गई है एंड वी आर हेयर टू रॉक एंड रोल फोटो सिंथेटिक पिगमेंट द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाँ जी बताइए सब कुछ ओके okay, है बता दो भाई बच्चों को बता दो यस <laughs> <Yes>, शुरू करें हम्म यस ओके

अगर मैं बारह अगर मुझे छह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने हैं तो मुझे बारह ऑक्सीजन बारह पानी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई ये क्वेश्चंस कुछ हमने डिस्कस किए हमने एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया क्या सबको कल की क्लास बिल्कुल क्लियर थी या फिर नहीं थी बताइए क्या कल की क्लास बेटा क्लियर थी आपको यस प्लीज टेल मी बता दो यार फटाफट से तभी आज हम करेंगे आज पता है हमने क्या क्या डिस्कस करना है टुडे वी आर टू डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमने पिगमेंट्स के बारे में बात करनी है एंड देन वी आर टू टॉक अबाउट यू नो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मुझे ऐसा लग रहा है बेटा मेरे को कुरियर का मैसेज आ रहा है एक मिनट में ना अपना फोन दे आती हूँ बहुत सारी चीजें हो रही जस्ट अ सेकेंड हाँ जी शुरू करें बताओ रेडी है सब बच्चे रेडी है स्पेशल क्लास का स्केड्यूल बेटा आज मिल जाएगा अब मैं आपको बताऊं बहुत सारी कल मैंने अपने प्लस वाले बच्चों को बताया था वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अमेजिंग स्पेशल क्लास

विद रिस्पेक्ट आपको बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है ठीक है और हाँ दिवाली पे एक प्रैक्टिस सेशन भी मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ स्पेशल क्लासेस पे होगा आज सारी क्लासेस के लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे कहाँ मिल जाएंगे बेटा जी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे हैं दिवाली में क्या खास है यार दिवाली की मिठाई के डब्बे में क्या निकलेगा अन अकेडमी की तरफ से बेटा मिठाई का डब्बा आने वाला है उस दिवाली की मिठाई में क्या निकलेगा तुम खुद सोचो खुद सोचो वैसे काफी बड़ी चीज निकलने वाली है काफी बड़ी चीज निकलने वाली है यस yes. तो सबसे पहले बेटा अपने पास अपने पास आ रहा है आज चलो चैप्टर स्टार्ट कर दे जो बच्चे तैयार है कि हाँ मैम चैप्टर स्टार्ट कर दो फटाफट से यार सेशन को लाइक कर दो यस कम ऑन फास्टली लाइक द सेशन जी बता दो एक दो घंटे से ज्यादा मत रखना हम YouTube पे अच्छा अच्छा एक दो घंटे से ज्यादा नहीं रखूंगी बेटा डेली एक घंटे का ही रखूंगी स्पेशल क्लास पे और मैं आज लॉन्च कर दूंगी टुडे आई लॉन्च टुडे आई विल फाइनली लॉन्च ठीक है फटाफट पड़ से यार सेशन को लाइक कर दो सो so दैट हम अपना आज का जो कंटेंट है जो लेक्चर है उसको प्रारंभ कर पाए तो बेटा आज अपने ने बात करना है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में बहुत सारे तरीके के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, बट सिंस ये जो चैप्टर है वो डील करता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स तो बेसिकली हम हायर प्लांट्स वाले को ज्यादा डिटेल में करेंगे बाकी जितने भी फोटो सिंथेटिक हैं उनकी अपने लोग क्या बना लेते हैं लिस्ट बना लेते हैं अब मैं आपको जितने फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स बताऊंगी वो सारे के सारे क्या है लिपिड सोल्यूबल है क्या है बेटा जी लिपिड सोलिबल है सो आई एम गोइंग टू मेक द लिस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सबसे पहले अपने पास आ रहा है द मेजर फोटो गोइंग टू बी क्लोरोफिल ए ये नाम किसने नहीं सुना ये नाम तो सबने सुना है है ना सबसे पहला आएगा क्लोरोफिल ए देन वी आर गोइंग टू हैव क्लोरोफिल बी देन वी आर गोइंग टू हैव क्लोरोफिल सी देन बेटा क्लोरोफिल डी एंड देन वी आर गोइंग टू हैव कैरोटीनॉइड्स क्या रहेंगे तो अभी मैंने तुम्हारे सामने एक, दो तीन चार पांच पांच तरीके के लिपिड सोलिबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लिए हैं इनमें से सारे हायर प्लांट्स में नहीं होंगे इनमें से सिर्फ तीन हायर प्लांट्स में प्रेजेंट है कितने सिर्फ तीन हायर प्लांट्स में प्रेजेंट है ए बी और कैरोटीनॉइड सी और डी हायर प्लांट्स में नहीं होते हैं इसीलिए हम इनकी बारे में ज्यादा डिटेल इस चैप्टर में नहीं करेंगे हम बेटा ए के बारे में बी के बारे में और केरोटेनोइ्स के बारे में जानेंगे और ये सारे कैसे हैं लिपिड सॉलेबल हैं तो सबसे पहले बेटा चालू करते हैं अपने लोग क्लोरोफिल ए से क्लोरोफिल ए को बोला जाता है इट इज द यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इट इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्राइमरी जो पिगमेंट है इसको मैं प्रूव कर दूंगी बेटा ये प्राइमरी क्यों है इसको प्रूफ करने के लिए मुझे एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को कंपेयर करना पड़ेगा बट तुम मान लो ये प्राइमरी है ये चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये ऑलमोस्ट सब में पाया जाता है बैक्टीरियाज में वैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता बट ये बीजी एक एक्सेप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी में बेटा ये प्रेजेंट होगा सारे के सारे फोटो सिंथेटिक प्रोटेस्ट में होगा फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट में बेटा ये प्रेजेंट होगा एल्गी से लेकर हाँ जी बेटा कहां से एल्गी से लेकर एनजियो स्पॉम्स तक प्रेजेंट होगा एल्गी से लेकर एनजीओ स्पॉम्स तक बेटा ये प्रेजेंट होता है याद रखना है बैक्टीरिया के पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि बैक्टीरिया के पास तो है ना ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं लेकिन बीजीए है तो भैया एक्सेप्शन है, है। बीजीए अपने हायर प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करती है तो उसके पास क्लोरोफिल ए होता है कल भी बताया था आपको ठीक है जी तो क्लोरोफिल ए बेटा क्या जाना हमने यूनिवर्सल है चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है एंड बीजीए प्रोटेस्ट एल्गी सब में पाया जाता है देन आ जाते हैं बेटा क्लोरोफिल बी के बारे में क्लोरोफिल बी को एक नाम दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इट इज अर प्लांट लाइक कैरेक्टर हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर आपने बेटा पढ़ा था युगलीना के बारे में युगलीना के अंडर एक लाइन लिखी हुई थी कि इसके पास एक हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर है वो हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर कौन है बेटा वो हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर क्लोरोफिल बी ही है क्योंकि क्लोरोफिल बी एक हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर है तो भैया हायर प्लांट्स में हो गई सो इट फर्स्ट अपीयरड इन यूग्लीना कहां पे मिला बेटा मुझे यूग्लीना एंड देन बेटा ग्रीन एल्गी ग्रीन एल्गी और अब अपने पास हायर प्लांट्स में भी प्रेजेंट है तो भैया हायर प्लांट जिनके बारे में हमने इस... इस चैप्टर में बात करनी है तो उनके पास क्लोरोफिल ए है और क्या है क्लोरोफिल बी है देन आ जाते हैं बेटा क्लोरोफिल सी के बारे में ये हायर प्लांट्स में नहीं है ये प्रेजेंट है डायटम्स में ब्राउन एल्गी. ब्राउन एंड ठीक है जी यस देन आ जाइए क्लोरोफिल डी पे ये किसमें प्रेजेंट है रेड एल्गी में हाँ जी लेकिन हायर प्लांट्स में होते हैं ये एक तरीके के एक्सेसरी पिगमेंट है एक्सेसरी पिगमेंट है कितने तरीके के हैं दो तरीके के सबसे पहले बेटा ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन अभी डिटेल में भी लिखेंगे इनको ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन ठीक है जी तो अपने पास मैंने टोटल पांच तरीके के लिपिड सॉलीबल पिगमेंट लिखवाए हैं आपको वन इज क्लोरोफिल ए बी सी डी एंड कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल ए के बारे में बात करें तो वो यूनिवर्सल है हायर प्लांट्स में भी होगा स्टार्टिंग विद बीजीए ऑलमोस्ट सब में बेटा ये प्रेजेंट होता है तभी यूनिवर्सल और प्राइमरी है देन आपका आ जाएगा क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल बी की अगर बात करें तो ये किसमें प्रेजेंट है हायर प्लांट्स लाइक कैरेक्टर की तरह काउंट होता है यूग्लीना ग्रीन एल्गी और और आपके हायर प्लांट्स उसमें प्रेजेंट होगा सी और डी प्लांट्स में नहीं है डायनोफ्लेजोलाइट्स डायटम्स एंड देन ब्राउन एल्गी रेड एल्गी में कैरोटीनॉइड्स प्लांट्स में होते हैं इसको एक्सेसरी एक्स्ट्रा हेल्पिंग पिगमेंट्स बोला जाता है ठीक है है? जी. अब तक ये जितने किए वो क्या है? Lipid soluble. क्या आपने कभी सुना है कि lipid insoluble? यानि कि वाटर सोल्यूबल भी कोई पिगमेंट होता होगा एनी पिगमेंट विच इज वाटर सोल्यूबल हां जी आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हुई है तो उसमें आपको आना चाहिए यस सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि वाटर सोल्यूबल है एनी आइडिया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि क्या है वाटर सोल्यूबल है हां जी कोई आइडिया आपके पास कि वाटर सोल्यूबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यस बेटा बताइए हीमोग्लोबिन वाह इस बच्चे के लिए ताड़िया कौन है ये पायल पायल कह रही है लिख दो मैम यहाँ पे हीमोग्लोबिन लिख देती हूँ बहुत बढ़िया बेटा फिर तो हमें धूप में जाके बैठ जाना चाहिए चलो बच्चों सब चलते हैं धूप में खाना बनेगा ना हमारे पास भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आ गया लाल रंग का हीमोग्लोबिन अभी पता चला मुझे तो बैठ जाते हैं थोड़ा से धूप में खाना बनेगा धूप की एनर्जी लेंगे और बेटा ग्लूकोज बनाएंगे बढ़िया मामला चलेगा है ना बाजार से सब्जी खरीदने की जरूरत ही नहीं है हम बेटा खुद ही अपने एटीपी अपना खाना पीना स्टार्च ग्लूकोज अपने आप बनने लगेगा नो नीड टू तो बाय सब्जी सब्जी खरीदने का काम ही बंद दूध वूध पीने का बेटा काम बंद खुद कर लेते हैं है ना खुद कर लेते हैं क्या कहते बच्चों खुद कर ले सब्जी सब्जेक्ट काम खत्म कर देते हैं बेटा वाटर सॉल्युबल में आ जाएगा क्या आ जाएगा फाइकोबिलेन दो तरीके का होता है फाइको एंड फाइको एरिथ्रिन एंड फाइकोसियान ठीक है ये एक स्पेशल तरीके का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एरेथ्रो एरेथ्रो वर्ड किसके लिए आता है रेड के लिए सियान सियान वर्ड किसके लिए आता है बेटा जी ब्लू के लिए और ये किस में पाए जाते हैं फाइको एरेथ्रेड एंड फाइकोसाइन आपके बीजीए में ब्लू ग्रीन एलगी एंड रेड एलगी में ब्लू ग्रीन एलगी एंड रेड एलगी में ठीक है जी यस yes. क्लैरिटी हो गई हाँ जी क्लैरिटी हो गई चलिए तो ये बात हो गई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की लेकिन हमारे में कौन से हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट्स यानी कि प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं ए बी एंड केरोटीनॉइड तो इन तीनों को अपने डिटेल में करना है वैसे तो मैंने आपको पांच तरीके के छह तरीके के बता दिए बट वी विल टॉक अबाउट ए बी एंड केरोटीनोइड सबसे पहले चलते हैं बेटा क्लोरोफिल ए पे क्लोरोफिल ए देन वील टॉक अबाउट क्लोरोफिल बी एंड देन लिटिल बिट अबाउट केरोटिनॉइड्स यही है ना हायर प्लांट्स में तो मतलब आज हमने जिनकी बात करनी है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है बेटा जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को कलर भी देता है तो यार ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल ए की तो इट इज सी फिफ्टी फाइव एच सेवेंटी टू ओ फाइव एन फोर एंड एम जी ये इसका फॉर्मूला है बेटा, C55, H72, O5, N4, चार नाइट्रोजन होंगे और क्या होगा एक मैग्नीशियम आयन आपने सेंटर में प्रेजेंट होता है ये सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है सबसे ज्यादा यही होगा ये बेटा यूनिवर्सल पिगमेंट है सब में ही प्रस्तुत है ये प्राइमरी पिगमेंट है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसके पास टोटल कितनी रिंग्स प्रेजेंट है चार रिंग्स प्रेजेंट है जिसमें बेटा सेकेंड रिंग पे मिथाइल ग्रुप है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा जो आपको याद होनी चाहिए सेकेंड रिंग पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है सी एच थ्री ग्रुप दैट इज मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट याद रखना सेकंड रिंग पे टोटल क्लोरोफिल के पास कितनी रिंग्स है चार अभी मैं बनाऊंगी ठीक है चार रिंग्स प्रेजेंट है हर चारों रिंग के पास एक एक नाइट्रोजन है तभी तो, तो बेटा इस पे चार नाइट्रोजन है उन रिंग्स के सेंटर में मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है अब इसमें जो सेकंड रिंग है उसके पास कौन सा ग्रुप है मिथाइल ग्रुप देन आ जाइए क्लोरोफिल बी पे इट इज C55 H70 O6 हो ज्यादा है ठीक है N4 एंड अगेन अ मैग्नीशियम ठीक है जी इसके पास सेकंड रिंग पर मिथाइल ग्रुप नहीं है इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है CHO यही होता है ना एल्डिहाइड सेकंड रिंग पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है देन आ जाते हैं कैरोटीनॉइड्स पे कैरोटीनॉइड्स मैंने आपको बताया दो तरीके के एक तो जैंथोफिल दूसरा कौन सा आ जाएगा कैरोटीन अगर मैं जैंथोफिल की बात करूं जैंथोफिल की बात करूं तो जिया जैंथिन फ्यूकोजैंथिन ब्राउन एल्गी में आपने सुना हुआ है ठीक है एग्जाम्पल इजाजें फ्यूकोजेंथिन ल्यूटिन और अगर कैरोटीन की बेटा जी बात करें सी फोर्टी एच फिफ्टी सिक्स सी फोर्टी एच फिफ्टी सिक्स इट इज गोइंग टू बी इन कैरोटीन एल्फा कैरोटीन बीटा कैरोटीन लाइकोपीन ठीक है लाइकोपिन ये किस में आ जाएगा आपका कैरोटीन ये तीनों वाटर सोल्यूबल है कि लिपिड सोल्यूबल अभी पिछले वाले तुम्हें टेबल में लिखवाया कि ये पांचों के पांचों लिपिड सोल्यूबल है तो मतलब ये पांच ती, ये तीन उन पाँच में से लिए गए हैं ये सारे के सारे क्या हैं ये सारे के सारे हैं बेटा जी लिपिड सोल्यूबल ठीक yes, है जी बेटा मुझे क्या प्राइज मिलेगा मिस्टर के कह रहे हैं मुझे पता आप मेरा मैसेज पढ़ रहे हो लेकिन आप ना रिप्लाई नहीं कर रहे हो है, बेटा मुझे प्राइज मिलता है कि अगर मैं मैसेज पढ़ के रिप्लाई ना करूं डू आई गेट अ प्राइज नहीं बेटा आई डोंट गेट अ प्राइज मैं मैसेज बेटा बीच में पूरा टाइम नहीं देख रही हूँ जितना मुझे दिख पाता है उतना मैं देखती हूँ तभी तो यार यूट्यूब इज अ काइंड ऑफ वन वे कम्युनिकेशन इसी यूट्यूब के बैरियर को ब्रेक करने के लिए मैंने कल आप सबके साथ एक जूम कॉल रखी थी जिसमें आप जो बोले वो मैं सुन पाऊ यहाँ पर कुछ चीजें अनसुनी हो जाती हैं ना चाहते हुए भी लेकिन जूम कॉल्स अब हम फ्रिक्वेंटली करेंगे जिनका लिंक आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे ठीक है तो उन जूम कॉल से बेटा आप जो कह रहे हैं वो मैं सुन पाऊंगी है ना और वो जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा टू वे कम्युनिकेशन यस वो कैसा होगा बेटा जी टू वे कम्युनिकेशन ओके उसका लिंक बेटा टेलीग्राम पे आएगा हाँ जी क्लियर हो चुका है अब स्ट्रक्चर बना लो यस मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल हां जी चलिए शुरू करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल इसके पास एक हेड है यस ये देखिए हेड बोलते हैं बेटा इसको क्या बोलते हैं हेड इसके पास प्रेजेंट है जिसको हेड भी बोलते है, चार हैं चार सिरे है ना टेट्रापायरोल हेड क्योंकि बेटा तुम नोटिस करोगे यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पर इसके पास रिंग्स हैं टोटल तो क्लोरोफिल के पास कितनी रिंग्स हो गई चार रिंग्स हो गई हर रिंग के पास एक नाइट्रोजन ग्रुप है हर रिंग के पास एक नाइट्रोजन है तो यार अपने ने फॉर्मूला में चार नाइट्रोजन लिखे थे तो चार नाइट्रोजन फिट बैठ गए बैठ गए और इन रिंग्स के बेटा सेंटर में क्या प्रेजेंट है एक मैग्नीशियम ग्रुप प्रेजेंट है आयनिक फॉर्म में मैग्नीशियम नहीं है नॉर्मल मैग्नीशियम एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये तो बेटा इसके हेड की बात होगी अब इसके साथ जुड़ी हुई है एक डंडी इसके साथ बेटा जुड़ी हुई है एक डंडी ये देख रहे हो दिस इज अ डंडी दिस इज कॉल्ड एज अ टेल एंड द टेल इज फाइटोल टेल ये क्या है बेटा जी एक यू नो हाइड्रोकार्बन की टेल है हाइड्रोकार्बन की टेल है और इस टेल को अपने लोग क्या बोलते हैं फाइटोल टेल बोलते हैं तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल बेटा क्लोरोफिल के बेसिक स्ट्रक्चर में आपको एक हेड दिखेगा पोरफाइरिन किसके साथ जुड़ा हुआ है डंडी के साथ डंडी का क्या नाम है फाइटोल इस फाइटोलोर हेड में चार सिरे हैं ठीक है तभी ये टेट्रा पायरोल है इन चार सिरों पे रिंग्स प्रेजेंट है इन चार सिरों पे बेटा चार रिंग्स हैं ठीक है और ये चार रिंग्स चारों के चारों के पास एक एक नाइट्रोजन है तो टोटल चार नाइट्रोजन सेंटर में मैग्नीशियम आइन फॉर्म में नहीं है और डंडी है डंडी किससे बनी हुई है हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है अगर मुझे एक लीफ में चेक करना हो कि इसके पास कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है देखो मैंने तो तुम्हें बता दिया कि ए है बी है कैरोटीन और जैंथोफिल है प्रूव कैसे करोगे क्या कोई ऐसी केमिस्ट्री की टेक्निक है जिससे अपन लोग प्रूव कर सकते हैं यस डू वी हैव अ टेक्निक डू वी हैव अ टेक्निक बेटा बता दो शायद तुम बताओ अगर मैं तुम्हें एक पत्ती दू ये ले बेटा ग्रीन कलर की पत्ती है हां जी अब इस ग्रीन कलर की पत्ती में जरा पता लगाइए क्या पता लगाना है कि इसके पास कौन कौन से तरीके के पिगमेंट्स है फोटो सिंथेटिक पिगमेंट है कैसे पता लगाओगे बताओ किस चीज से बेटा पता लगाओगे कोई केमिस्ट्री की बेटा इसमें टेक्निक काम करती है यस वेरी गुड फिर दोस ने सही आंसर दिया है फिर दोस नंदनी विद्दा... सही आंसर द टेक्निक गोइंग टू बी पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या नाम है इस टेक्निक का पेपर क्रोमैटोग्राफी तो सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि उस टेक्निक का नाम बताइए जिससे बेटा आप पता लगाएंगे कि एक पत्ती के अंदर एक प्लांट पार्ट के अंदर कौन कौन से तरीके के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं कैसे करते हैं बेटा इस टेक्निक से काम सबसे पहले बेटा ये पत्ती ली इस पत्ती का घोल बना लिया इसका पाउडर बना के घोल बना लिया लीव स्टेन बना लिया ठीक है जी और फिर उसको क्रोमेटोग्राफी वाली यू नो उसमें रख दिया ऑपरेटर्स में यस

और जो पिगमेंट बेटा भारा है वो कहा ऊपर नहीं जा पाएगा वो नीचे रह जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर चला जाएगा तो सबसे नीचे तुम्हें क्या दिखेगा सबसे नीचे बेटा तुम्हें दिखने वाला है येलो ग्रीन से कलर का क्लोरोफिल बी तो मैं येलो ग्रीन सा कलर बना लेती हूँ है ना तो ये रहा येलो ग्रीन सा कलर विच इज ऑफ क्लोरोफिल बी ठीक है देन तुम्हें क्या दिखाई देगा बड़ा ब्राइट ब्लू ग्रीन सा क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू ग्रीन ब्लूश ग्रीन सा क्लोरोफिल ए यहां पर कर लेते हैं इसको दिस इज वेरी ब्राइट दिस इज क्लोरोफिल ए देन तुम्हें क्या दिखाई देगा बेटा जैंथोफिल जैंथोफिल येलो कलर का प्योर ब्राइट येलो सो दिस इज गोइंग टू बी जैंथोफिल एंड एक बच गया कौन सा बच गया कैरोटीन बच गया येल्लो ऑरेंज से कलर का क्या है बेटा जी कैरोटीन यहां पर तुम्हें सबसे हल्का बेटा ये क्या दिखेगा तुम्हें इस तरीके से पेपर क्रोमाटोग्राफी पे आपके सारे चार तरीके के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो क्या हो गए बेटा सेपरेट हो गए सबसे नीचे भारा वाला बी और सबसे हल्का यानी कि कैरोटीन ऊपर इसमें तुम्हें याद क्या करना है एक ते चार कौन से ये याद करना है दूसरी चीज बेटा जो तुम्हें याद रखनी है दैट इज द कलर कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है कि कौन सा कलर दिया था इसने पेपर क्रोमेटोग्राफी में तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल बी की तो कौन सा कलर दिया था ये yes, इसको छोटा सा कर लेते हैं क्लोरोफिल बी पे येलो ग्रीन येलो ग्रीन कलर दिया था देन आता है आपका क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन ये तो ही मैंने ब्लू बनाया था ब्राइट और ब्लू ग्रीन ठीक है देन ब्राइट येलो कलर किसका था ये ज़ैंथो का था ब्राइट येलो कलर किसका था ये ज़ैंथो का था और इसका येलो ऑरेंज येलो, येलो और ऑरेंज किसका है आपका कैरोटीन का सो द कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ने, ने कलर्स फॉर बताया है इसीलिए आपको इसको लर्न कर ले फटाफट फड़ से एक सेकंड लो इस स्लाइड को देखो और कलर याद करो अभी अभी यस येलो ग्रीन ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज येलो कुछ नहीं है यस yes, एक येलो ग्रीन है एक ब्लू ग्रीन है एक येलो ऑरेंज है और एक येलो है हाँ जी कर लिए कर लिए बताओ फटाफट से बताओ यस कब ऑन गाइस टेल मी बता दो बता दो साथ साथ पानी पीते रहो Handy okay, yes. बेटा मेरे नाम से ढूंढो नीरज शर्मा मेरे नाम से सारी पीडीएफ तुमको कहाँ मिलती है टेलीग्राम पे दिखती है एंड एवरीथिंग एवरी नोटिफिकेशन जो मैं जूम कॉल्स लेती हूँ बच्चों के साथ उसका नोटिफिकेशन भी वहीं पर आएगा हां जी शुरू करें अब अगला टॉपिक आता है एक बच्चा पूछ रहा था मैम क्या ये लेक्चर एनसीआरटी बेस्ड है ये मैं अपने उस बच्चे से पूछना चाहूंगी जिसने कल की क्लास लगाई थी और घर जाकर एनसीईआरटी भी पढ़ी थी देखिए अगर आप क्लास लगा रहे हैं और आप एनसीईआरटी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं आप जीरो हैं आपके नंबर नहीं आएंगे इफ यू थिंक कि सिर्फ क्लास लगाने से नंबर आते हैं तो क्लास लगाने से नंबर नहीं आते हैं आपको घर जाकर एनसीईआरटी पढ़नी थी पहले मुझे ये बताओ किस किसने की आएगा किस किसने एन सी आर टी पढ़ी यस बता दो जब तक मैं लिख रही हूं तब तक बेटा आप बताइए किस किस ने कल की क्लास के बाद नोट्स रिवाइज करे और एनसीईआरटी पढ़ी हाँ जी बताओ हाँ जी बिल्कुल सौरभ चौधरी मैं कंप्लीट बायोलॉजी कराने वाली हूं जोलॉजी एंड बॉटनी बोथ आपको मेरा कोई पुराना लेक्चर देखना है कोई और चैप्टर का देखना तो आप मेरे लिंक ट्री से जाकर देखिए प्लांट किंगडम भी हम डेफिनेटली करेंगे यस जिसने एनसीईआरटी पढ़ी बेटा बस वही कंपटीशन में है वही उस एक लाख में है बाकी के बच्चे तो सत्रह लाख के मैं काउंट कर रही हूं अठारह लाख बच्चों ने देना है पेपर अठारह इस पर ही सीटें तो बेटा सिर्फ नाइन है तो जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है सिर्फ वही बेटा डिजर्व करता है उस एक लाख में आने का बाकी के सारे बच्चे वो सत्रह लाख वाली भीड़ है वो भीड़ तो मुझे वैसे ही इकट्ठी नहीं करनी थी वो मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट है ठीक है जी अब जिसने एनसीईआरटी पढ़ी सिर्फ मेरा सवाल वो सुनिए क्या आपको एनसीईआरटी की एक भी लाइन में एक भी जो वो क्वेश्चन पूछती है उसमें दिक्कत आई बताओ उसमें बेटा दिक्कत आई यस yes, बताइए <laughs> क्या उसमें दिक्कत आए, यस yes. बता दो बता दो बता दो क्या कोई प्रॉब्लम आई बेटा जी यस yes. तो जो बच्चे एनसीआरटी पढ़ के आए हैं दल्स आर टेलिंग द होल लेक्चर बेटा इज एनसीईआरटी बेस्ड माय होल नोट्स आप जोलॉजी बॉटनी किसी के भी नोट्स देख लीजिए मेरा आपको एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का आपके नोट्स में क्लियर होकर मिलेगा आपने अगर ये नोट्स पढ़ लिए एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा मक्खन है मक्खन की तरह बेटा एनसीईआरटी साफ होती है उसके बाद तब एनसीईआरटी एक हवा नहीं है तब कोई बायो से नहीं घबराता अगर वो क्लास लगाने के बाद पढ़ता तो माय ईच एंड एवरी एवरी लाइन आई आई से वर्ड राइट जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ वो सब एनसीआरटी बेस्ड है आपको इसकी टेंशन लेनी ही नहीं है आप बस अपने टीचर पर भरोसा रखिए यार भरोसा नहीं होता आज की क्लास लगाना और फिर घर पे जाकर एनसीईआरटी पढ़ना तो मैं खुद ब खुद पता चलेगा ये ओपन चैलेंज है सबके लिए ओपन आप चेक कर लीजिए ठीक है चेक कर लेना खुद से हाँ जी तो अब बात करते हैं बेटा की। इससे पहले कल जो हमने स्पेक्ट्रा किया था वो कौन सा किया था? आपको याद क्या बताता था? कि किस वेवलेंथ पे ऑक्सीजन कि का अमाउंट ज्यादा निकलता है मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है अब हम देख रहे हैं कि किस वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन लाइट की सबसे ज्यादा होती है इसके लिए बेटा मैं खोलूंगी फिर से आपकी एनसीईआरटी कहां खोलूंगी बेटा एनसीई आर टी ये लुक एट दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिख रहा है बेटा आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कल हमने ये वाला स्पेक्ट्रा कर लिया था एक्शन uh, वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहाँ पे कोशिश कीजिए क्लोरोफिल ए बी और केरोटिनॉइड तीन चीजें अपने पास तीनों का यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले बेटा ये जो नीला रंग है ये क्लोरोफिल ए का है ये देखिए क्लोरोफिल ए को अगर तुम ध्यान दोगे तो क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कौन सी वेवलेंथ में कर रहा है ये स्टार्टिंग में कर रहा है स्टार्टिंग में कौन सा कलर है ब्लू कलर है और एंड में कर रहा है एंड में कौन सा कलर है रेड कलर है यानी कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए की है वो कौन सी जगह पर हो रही है ब्लू और रेड पर हो रही है अब बी पे आ जाओ बी हरे रंग से दिखाया अगर तुम बी को देखोगे ये देखो बी ने भी तकरीबन ब्लू पे एब्जॉर्ब किया फिर नीचे आ गया नीचे ग्रीन वाले पे नीचे आ गया एंड देन बेटा किस पे एब्जॉर्ब कर रहा है रेड पे जाके यानी कि बी का भी जो एब्जॉर्प्शन है वो किस पे है ब्लू और रेड पर है मानते हो कि नहीं मानते अब तीसरा पिगमेंट जो हायर प्लांट्स में दैट इज केरोटीनॉइड्स अगर कैरोटीनॉइड को देखेंगे तो भैया ये तकरीबन एंड वाले हिस्से में यहां से तकरीबन स्टार्ट होकर साढ़े पांच सौ तक चलते हैं मतलब ये वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो ना ए कर पा रहे हैं ना बी कर पा रहा है बट मोटा मोटा अगर देखा जाए मोटा मोटा बेटा जी अगर देखा जाए तो एक तो ब्लू पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है दूसरी किस पे है? है। रेड पर प्रेजेंट तो स्पेक्ट्रा ने हमें क्या बताया एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट और इन पिगमेंट्स को देखकर मुझे क्या पता चला कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस लाइट पर होती है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बेटा जी विप ग्योर के एंड्स पर होती है ब्लू प्लस रेड पर होती है मिनिमम एब्जॉर्बन तुम देख रहे हो सेंटर में हो रही है दैट इज ग्रीन क्योंकि ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं ग्रीन रिफ्लेक्ट होता है तभी तो पौधा हरे रंग का दिखता है यस yes, तभी तो बेटा पौधा किस रंग का दिखता है हरे रंग का दिखता है यस yes. अब मुझे पता लगाना है अब बेटा मुझे कुछ पता लगाना है कि तीनों पिगमेंट्स का मुझे पता चल गया कि किसने किस वेवलेंथ पर अब्जॉर्ब किया अब मैं देखना चाहती हूँ कि यार एक्शन स्पेक्ट्रा मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस कब होती है वो एक्शन स्पेक्ट्रा था एक्शन स्पेक्ट्रा मेरा किससे मैच कर रहा है ए से मैच कर रहा है बी से, से मैच कर रहा है या फिर बेटा क्लोरोटिनोइड से मैच कर रहा है तो ये बेटा अपना कंपैरिजन है ये देखो ये था मेरा क्लोरोफिल ए का ग्राफ देखो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और ये है मेरा एक्शन यानी कि यहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है तो जब मैंने इस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मैच किया इन तीनों से तो बेस्ट मैचिंग किसके साथ बैठी बेस्ट मैचिंग बेटा अपनी बैठी क्लोरोफिल ए के साथ वन टू वन नहीं बैठी बिल्कुल बराबर नहीं हुआ कि जैसे जैसे ये जा रहा है वैसे वैसे ऊपर नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर यानी कि हम बता सकते हैं आउट ऑफ क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटिनॉइड सबसे चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है

ए से, से बैठती है तो क्लोरोफिल ए क्या हुआ चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हुआ क्या ये वन टू वन ओवरलैपिंग है अब वन टू वन ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है ऐसे ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर मतलब जहां जहां क्लोरोफिल ले जा रहा है वही नहीं वन टू वन ओवरलैपिंग तो नहीं है ऐसा तो नहीं जा रहा है ना बिल्कुल ऐसा तो नहीं जा रहा है बट सिमिलर है रिजल्ट दे दे रहा है, है ना तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट वन टू वन ओवरलैपिंग बट काफी है बेटा वन टू वन तो नहीं है लेकिन काफी है मैच करने के लिए कि जो चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो और कोई नहीं है तीनों में से वो कौन है बेटा क्लोरोफिल ए है क्योंकि क्लोरोफिल ए का एब्सॉर्ब स्पेक्ट्रा सबसे बेस्ट मैच हुआ हमारे एक्शन स्पेक्ट्रा से यस yes, बेटा क्लियरिटी होगी क्लैरिटी होगी सबको इस बात की वन टू वन ओवरलैपिंग नहीं लिख के आओगे कि बिल्कुल एक सिरे से ऊपर सिरे जुड़े नहीं हुए बट हां हमें आइडिया लग जाता है हमें क्या लग जाता है आइडिया लग जाता है ओके okay जी सो so यहां पर हमें पता चला कि राजा कौन है चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन निकला राजा है क्लोरोफिल ए इसकी प्रजा कौन है भैया जो इसके नीचे सेनापति और यू नो सिपाही ये सब रखे हुए हैं ये कौन है ये क्लोरोफिल बी है और कैरोटिनॉइड हैं, ठीक है जी लेकिन राजा कौन है राजा है क्लोरोफिल ए तो मेजर काम कौन करेगा राजा जो काम राजा छोड़ देता है वो कौन करेगी प्रजा वो करेंगे सेनापति वो करेंगे सिपाही ठीक है तो अब ये जो राजा और प्रजा मिलकर एक साम्राज्य बना देते हैं ऐसा ही होता है ना साम्राज्य ये मुगलों का साम्राज्य है ये इनका मोहन हड़प्पा का साम्राज्य है तो अब साम्राज्य की बात करेंगे जिसमें राजा भी आ रहा है और उसकी प्रजा भी आ रही है तो राजा और प्रजा का साम्राज्य कहलाता है फोटो सिस्टम सो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज गोइंग टू बी फोटो सिस्टम पता चला बेटा जी अब जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या है वो पूरा साम्राज्य है जिसमें राजा सेंटर में बैठेगा गद्दी लेके पूरा मेन काम करेगा और जो थोड़े बहुत काम वो छोड़ देता है वो उसके सेनापति साम्राज्य में जो मतलब यू नो प्रजा वगैरह प्रेजेंट है वो करेंगे ओके जी बेटा आपस में बात नहीं करोगे तो मेरे से कर लो हैं आप उसे मत करो बेटा मत करो आप उसे बात करने से नीट क्रैक नहीं होगा मेरे से कर लोगे तो थोड़ा बहुत हो भी जाएगा है ना अब इस साम्राज्य को हम बोलते हैं फोटो सिस्टम पहले के जमाने में इसको बोला जाता था क्वांटासोम ठीक है जी तो फोटो सिस्टम को क्या बोलूंगी कलेक्शन ऑफ मेनी क्लोरोफिल पिगमेंट्स अलोंग विद कैरोटीनॉइड पूरे राजा प्लस प्रजा को मिला लो राजा प्लस प्रजा को मिला लिया दैट इज द कलेक्शन क्या है ये कलेक्शन है किसका ऑफ मेनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सब इकट्ठे हो गए मेनी फोटो सिंथेटिक पिगमेंट प्लस कैरोटीनॉइड भी डाल दो और बेटा इसके अंदर छुटर पुटर से प्रोटीन भी डाल दीजिए तो बन जाएगा पूरा साम्राज्य जिसको हम बोलते हैं पीएस पीएस यानी कि फोटो सिस्टम ये पीएस कहाँ प्रेजेंट होता है ये पीएस बेटा मैं आपको कल का डायकल काल वाला दिखा दूं कल वाला दिखा दो ये देखिए कल हमने ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया था हमनेबर दिस कल हमने क्लोरोप्लास्ट का सब स्ट्रक्चर बनाया था ये जो पूरा साम्राज्य है ना पिगमेंट्स का ये सब इस थाइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है यहां पर ये ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो यहां पर ये पूरा प्रेजेंट है ठीक है जी यहां पर प्रेजेंट है तो थाइलेकॉइड यहां भी है दिस इज ग्राना थाइलेकॉइड अगर मैं ये वाला थाइलेकॉइड देखूंगी ये कौन सा थाइलेकॉइड है स्ट्रोमा थाइलेकॉइड तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में है ल्यूमन में नहीं है स्ट्रोमा में नहीं है सो टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ द फोटो लोकेशन बेटा जी किस में रहेगा ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ओके जी यस कौन सा रिएक्शन कराएगा बेटा इसका पर्पस है द पर्पस इज टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन ये क्या कराएगा बेटा जी कल हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शन होते हैं एक लाइट डिपेंडेंट और एक लाइट इंडिपेंडेंट लाइट डिपेंडेंट वाले को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन लाइट रिएक्शन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फोटोसिस्टम जिसमें सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट uh, ने अपना एक साम्राज्य बना रखा है अब कैसा स्ट्रक्चर है कैसा दिखता है ये साम्राज्य यस कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिस्टम पी का स्ट्रक्चर कैसा है देखिए तुमको क्या लगता है तुमको क्या लगता है राजा सेंटर में नहीं बैठेगा पूरे साम्राज्य के सेंटर में गद्दी लेकर कौन बैठा है राजा और यहाँ राजा कौन है क्लोरोफिल ए तो सेंटर में बेटा कौन बैठा है राजा राजा को बोलेंगे रिएक्शन सेंटर

होता है तो एक बेटा राजा राजा के अराउंड साम्राज्य ये, ये ऐसे करके फैला दिया है ना इसने इस सारा साम्राज्य बेटा ऐसे करके फैला दिया अभी जो आसपास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो इसकी मददगार है इनको अपने लोग बोलते हैं एल एच सी दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये क्या है बेटा जी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है है ना जी इनको बोला जाता है एंटीना मॉलिक्यूल्स क्या बोला जाता है एंटीना मॉलिक्यूल्स ठीक है जी कौन बच गया तुम खुद दिमाग लगाओ एलएचसी में कौन होगा टोटल तीन ही है ए है बी है और कैरोटीनॉइड है ए तो भैया सेंटर में बैठ गया है ना ए ने तो अपनी जगह ले ली सेंटर मैं यहीं बैठूंगा मुझे किसे लेना देना नहीं है तो बचे कौन बी और कैरोटीनॉइड तो वो लोग मिलके क्या बनाएंगे ये एल बनाएंगे तो अगर हम डिटेल में बात करें अबाउट एल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की तो इसके पास है एक्सेसरी पिगमेंट्स मतलब बचे हुए हेल्पर पिगमेंट्स है क्या है हेल्पर पिगमेंट्स है यस बेटा अगर हेल्पर पिगमेंट्स की बेटा जी बात करें एक्सेसरी पिगमेंट्स की बात करें तो इसका क्या काम होगा बेटा ये वो काम करेंगे जो राजा नहीं कर रहा अगर राजा ने बोल दिया कि मैं सिर्फ 700 नैनोमीटर की ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा तुम बाकी का कर लो तो यार जो काम राजा नहीं कर पा रहा हो बाकी ये कर लेंगे यानी का राजा, तो राजा नहीं कर पाए उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और राजा को दे देंगे यानी कि रिएक्शन सेंटर को दे देंगे एंड हैंड ओवर हैंड ओवर इट टू रिएक्शन सेंटर रिएक्शन सेंटर है तो राजा है है ना यही तो राजा है बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन रेजोनेस बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन रेजोनेंस तो इन एक्सेसरी पिगमेंट्स ने क्या किया इन्होंने बेटा डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया और रिएक्शन सेंटर को दे दी ताकि कोई भी लाइट का वेवलेंथ छूट ना जाए अब इन एक्सेसरी पिगमेंट्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है यस yes, क्या क्या बेटा इसके अंदर प्रेजेंट है दो चीजें हाँ जी दो चीजें हैं एक तो क्या है क्लोरोफिल ए सॉरी बी और दूसरा क्या है कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल बी की बात करें तो बेटा टोटल क्लोरोफिल का वन फोर्थ जो कॉम्पोजिशन है वो ये बनाता है सो वन फोर्थ ऑफ टोटल क्लोरोफिल टोटल क्लोरोफिल इज फॉर्म्ड बाय क्लोरोफिल बी देन आता है बेटा कैरोटीनॉइड कैरोटीनॉइड क्या है एक तरीके का ना शील्ड पिगमेंट है इसको हम लिखते हैं शील्ड पिगमेंट आपने नोटिस किया है कभी भी बेटा जब राजा धूप में जाता है या बारिश में जाता है तो उसके साथ कुछ लोग यू नो हिज हिज हेल्पर्स और टीम मेंबर्स छतरी लेके घूमेंगे कहीं सर को धूप ना लग जाए है ना कहीं सर को धूप ना लग जाए कहीं सर के ऊपर बारिश ना आ जाए तो बेटा वही काम इनका है कैरोटीनॉइड का है. तो कैरोटीनॉइड भी एक तरीके से छतरी लेके चल रहे हैं तभी इनको बोला है शील्ड पिगमेंट छतरी लेके क्या काम करते हैं बेटा ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन यानी कि अगर ज्यादा लाइट आ जाए वो ज्यादा लाइट बेटा प्लांट को खराब कर देगी उस ज्यादा लाइट से शील्ड प्रोवाइड करते हैं छतरी बना देते हैं कि यार ज्यादा लाइट उस प्लांट को हार्म ना कर पाए यानी कि दे विल प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम

जागृत बेटा अगर आपने देखा होता तो मंथ वाइज स्केड्यूल दे चुकी हूं मैं मंथ वाइज स्केड्यूल दे चुकी हूं मैं ठीक है मंथ वाइज स्केड्यूल मैं दे चुकी हूं दिखा दो तुमको दिखा दो इसको बंद करती हूँ यहां दिखाती हूं हां जी ये देखो दिख रहा ओहो दिखाता नहीं है यार ये ना दिखाता नहीं है ओहो अब मेरे को जाकर उसको ठीक करना पड़ेगा एक मिनट रुको ये जागृत को शेड्यूल दिखाने के चक्कर में दिखाया नहीं गया so जी so let me just fix it for you. अभी आ जाएगा सोचो so, जो क्लास रोक वाली इस बच्चे ने पुरानी वीडियो इसने देखी नहीं है और हमारी क्लास को रोक दिया है ना पुरानी वीडियो इसने देखी नहीं है और हमारी क्लास रोक दी यस सोचो भाई कौन है ये बच्चा भाई बता दो तो कोई जाके जाके इसको कौन है ये बेटा जितना टोटल क्लोरोफिल है ना दिग्विजय उसका वन फोर्थ क्लोरोफिल बी बनाता है बाकी मतलब क्लोरोफिल ए बना रहा है है ना बाकी मतलब क्लोरोफिल ए बना रहा है है ना जी चलिए एक मिनट रुकिए यहाँ पर कुछ अनवांटेड uh, सी साइड्स आ गई हैं यस yes. है ना जी चलो वापस आ जाए वापस आ जाए ओके सो नाउ वी आर डन विद

इसका बेटा दूसरा नाम है पी सिक्स एटी यानी कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब करता है सिक्स एटी नैनोमीटर ठीक है जी यस yes? आवाज आ रही है ओहो हाँ यस अब आएगी यार अब आएगी माइक लगाना भूल गई थी अब 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 सही है हाँ जी पी एस वन दैट इज पी सेवन सेवन हंड्रेड हाँ जी बेटा अगर मैं बात करूं पी एस वन का तो इसका रिएक्शन सेंटर रिएक्शन सेंटर मैक्सिमम कितना एब्सॉर्ब कर पाएगा कैन एब्सॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ कितना 700 हंड्रेड और यहां इट कैन एब्सॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ सिक्स एटी सबसे पहले चीज तो ये यहां पर है दूसरी चीज बेटा पी वन कहां पर प्रेजेंट होता है जो हिस्सा दबा हुआ नहीं होता है अब मैं इसके लिए जाऊंगी बेटा इस डायग्राम पे तुमको दिख रहा है बेटा ये थाइलेकोइड के स्ट्रक्चर कैन यू सी अब तुम जरा यहाँ पर फोकस करना ये वाला जो हिस्सा है थाइलेकोइड का

नॉन नॉन अप्रेस्ड अप्रेस्ड पार्ट पार्ट ठीक है जी ऑफ ग्राना ग्राना अभी मैं हटूंगी तो दिख जाएगा बेटा जी ये मान लीजिए ग्राना थाइड है तो इसका नॉन अप्रेस्ड पार्ट कौन सा हो जाएगा ये वाला ये वाला ये वाला सब क्या है नॉन अप्रेस्ड पार्ट है प्लस बेटा ये और किस में प्रेजेंट होगा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्ट्रोमा थाइलेक्ट क्योंकि बेटा स्ट्रोमा थाइड भी नॉन अप्रेस्ड है है ना स्ट्रोमा थायलाकोइड भी नॉन अप्रेस्ट है जबकि अगर इधर-इधर बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द अप्रेस्ट पार्ट ऑफ ग्राना थायलाकोइड जो अंदर धसा हुआ है ग्राना छुपे हुए पार्ट में प्रेजेंट है ग्राना थायलाकोइड यस बेटा क्लियर हुआ एक अप्रेस्ट हिस्सा है और एक नॉन अप्रेस्ट है तो मैं यहां पर अगर लेबल करूं दिस इज गोइंग टू बी द नॉन अप्रेस्ट नॉन अप्रेस्ट नॉन अप्रेस्ट ये है नॉन अप्रेस्ड पार्ट ठीक है जी और अगर यहां की बात करें ये ये जो है ये अपरेस्ट है बीच में सैंडविच्ड पार्ट है ठीक है तो मतलब यहां से प्रूव क्या हुआ कि ये जो स्ट्रोमा था ये जो ग्राना थाइलेक्ड है ग्राना थाइलेक्ड के पास पीएस वन भी है ये देखो कोनो पे पीएस वन है और अंदर पीएस टू भी है

NADP रिडाटेस से सिचुएटेड लोकेटेड है रिलेटेड है ये मान लीजिए है। है? है। है? में क्या क्या है? है. के बाहर, इधर की पे जबकि अगर बात करें बेटा पी एस टू की इट इज एसोसिएटेड विद वॉटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इट इज एसोसिएटेड विद वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स और ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ल्यूमन की तरफ है ये मान लीजिए थाइलेकॉइड है ल्यूमन की तरफ यानी कि इस जगह पर प्रेजेंट होगा वॉटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स समझे तो एक चीज मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड है एक बाहर वाली तो की की देखूं तो स्ट्रोमा की साइड होगी ये वाली यहां प्रेजेंट है एनएडीपी रिडक्टेस और अगर दूसरी और उसकी बात की जाए तो यार उसमें अंदर वाली साइड ये देखो यहाँ पर ल्यूमन की साइड पर वॉटर स्पेटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है हां जी बेटा बता बता दो दो से जिसको इतना इतना अभी 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 सिर्फ बेस बन रहा बेटा बेटा तो तो मेन पार्ट मैंने शुरू नहीं किया I have not started light reaction. अभी तो असली काम तब आएगा जब अपने लोग light reaction start करेंगे और लाइट रिएक्शन में मैं आपको नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कराऊंगी और वो आज ही कराऊंगी तो आज की क्लास बेटा सिर्फ यहाँ तक नहीं है थोड़ा सा ना एनर्जी के साथ बैठना क्योंकि आज की क्लास लंबी चलेगी और इस क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। मजा आने वाला है तुम्हें आज की क्लास में ठीक है मजा आ जाने वाला है ठीक है hmm. क्या चाहता है ये क्यों इसको मैं मेरा फेस आईडी बेटा एक्सेप्ट नहीं कर रहा हाँ कर लिया करना पड़ेगा मेरा ही तो है फेस आईडी डी तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हाँ जी तो बेटा आप शुरू करते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी तक सिर्फ हम भूमिका बना रहे थे अब बेटा एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपने लोग स्टार्ट करते हैं दो हैं बेटा फोटो में रिएक्शन कल भी हमने देखा था एक आ जाएगा लाइट रिएक्शन बेटा जी दूसरा आ जाएगा डार्क रिएक्शन बेटा तुम लोग ट्रैवल तो नहीं कर रहे हैं। मैं दादी पास जा रहा हूँ मैं नानी पास जा रहा हूँ है दिवाली आ गई मैम अब मत पढ़ाओ तुम्हें क्या लगता है कल क्लास नहीं होगी तुम्हें क्या लगता है बेटा मंडे को क्लास नहीं होगी देखो बेटा एक बात बताओ दिवाली है तुम्हारा मन कर रहा है कुछ लोग हॉस्टल में रह रहे हैं कि मैम मैंने टिकट बुक करा ली है मुझे जाना है कोई भी बच्चा अगर दिवाली की छुट्टियां उसने बर्बाद की सिर्फ सेलिब्रेट किया तो बेटा वो बच्चा आई आई टी नीट को डिजर्व ही नहीं करता है उस बच्चे के लिए ये नहीं बनाए बेटा आपकी एक दिवाली की कुर्बानी एक दिवाली की कुर्बानी आपकी आने वाली सारी दिवालियां बहुत अच्छी कर सकती है आपकी एक दिवाली की कुर्बानी आपकी फैमिली के लिए आने वाली हर साल को दिवाली बना सकती है हर पल को दिवाली बना सकती है अगर तुमने बेटा इन दिवाली की छुट्टियों में अपना बैकलॉग क्लियर किया जो नहीं आता है वो किया आता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की कर लिया है तो एनसीईआरटी पढ़ा और छुट्टियों को बर्बाद नहीं किया ये सोचते हुए कि सब एंजॉय कर रहे हैं सब एंजॉय नहीं कर रहे हैं वो एक लाख बच्चा जो एक्चुअल कंपीट कर रहा है वो एंजॉय नहीं कर रहा है बेटा वो बैठकर पढ़ रहा है तो एक दिवाली की कुर्बानी तुम्हारी फैमिली के लिए आने वाले सारे साल दिवाली कहलाएंगे क्या आप एक दिवाली की कुर्बानी नहीं दे सकते क्या आप इस दिवाली में पढ़ाई नहीं कर सकते बेटा नहीं कर सकते तो मत कहना कि मुझे नीट क्रैक करना है नहीं होता यार ऐसे कुर्बानी करनी पड़ती है पढ़ना पड़ेगा जब सब लोग बाहर पटाखे चला रहे हैं पढ़ना पड़ेगा बेटा जब सब दूसरों के घर मिठाइयां देने जा रहे हैं रंगोली बना रहे हैं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और क्या पढ़ना है मान लो यहां छुट्टी है वैसे तो मैं दूंगी नहीं छुट्टी बट अगर बेटा क्लास नहीं हुई किसी की क्लास नहीं हो रही है यार बैकलॉग क्लियर करो तुम्हारे पास का तो जत्था है कल जूम कॉल में तुमने मेरे को सपने ये बताया था हमें प्रॉब्लम है बैकलॉग की बैकलॉग की अभी वाला तो हो जा रहा है पुराना कैसे करे तो यार दिस इज द अपॉर्चुनिटी ना स्कूल है ना कुछ और है तो बैकलॉग क्लियर करिए और इस दिवाली को कुर्बान करके आने वाली सारी दिवालियां अपनी रोशन करिए है कि नहीं यस yes. कोई छुट्टी नहीं आ रही बेटा प्लस वालों के लिए आपको लग रहा है छुट्टी आ रही कोई छुट्टी नहीं आ रही बेटा प्लस वालों के लिए <laughs> हाँ जी शुरू करते हैं बेटा लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस इट इज द लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस ठीक है लाइट डिपेंडेंट या फिर इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों क्योंकि लाइट प्रेजेंस में दो केमिकल अपने लोग यहां बनाते हैं तो डार्क डार्क रिएक्शन इसलिए नहीं है कि अंधेरे में होती है ये भी लाइट में होती है बेटा डार्क रिएक्शन डार्क इसीलिए है क्योंकि इसको करने के लिए मुझे लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए मुझे लाइट के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स चाहिए सो इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और इसका दूसरा नाम क्या है बायोसिंथेटिक फेज मायोसिंथेटिक फेज ठीक है जी ये जो लाइट रिएक्शन है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइट पे वो हमने दिख ही रहा है ये इनडायरेक्टली मतलब डार्क रिएक्शन एक भड़काने वाला नाम है ये तो भड़का रहा है कि भैया डार्क रिएक्शन अंधेरे में होगी अंधेरे में होगी नहीं अंधेरे में नहीं होगी ये भी लाइट में होगी द ओनली अंतर इस, इसको करने के लिए लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए लेकिन मुझे लाइट डिपेंडेंट सब्सटेंसेस चाहिए जो मैंने लाइट रिएक्शन से बनाए ठीक है जी ये लाइट रिएक्शन कहां पर होती है मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड में कहां पर होती है बेटा जी मेम्ब्रेन ऑफ थायलाकॉइड में थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में इसको क्या हो गया जस्ट लेट मी चेक इसकी चार्जिंग पूरी ओह एक से एक मिनट लगता है बेटा इसको चार्ज में एनीवे anyway, तो फटाफट से लिख लो बेटा नेक्स्ट लिखिए मैं आपको बता रही हूँ इट अकर्स इन द स्ट्रोमा सब कुछ क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है मतलब सेल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइड थाइड की मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है लाइट रिएक्शन और जो बाहर स्ट्रोमा है स्ट्रोमा में क्या हो रहा है डार्क रिएक्शन अब सवाल आता है कि आपके पास एक प्लांट था सोचिए आपके पास एक प्लांट था वो पहले लाइट में प्रेजेंट था सामने सूरज था सूरज में रखा हुआ था इस प्लांट को उठा के मैंने अंधेरे में रख दिया क्या ये दोनों की, दोनों की रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगी या फिर अकेली डार्क रिएक्शन चलेगी लाइट रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी या फिर लाइट स्टॉप हो जाएगी डार्क चलेगी क्या लगता है बेटा क्या होगा सोचो जब तक ये पेंसिल एक मिनट में चार्ज हो रही है हां जी बताइए सरफराज अली बेटा कल कर क्लास का फर्स्ट 10 minutes लगा लेते ना तुम्हारे question का आंसर था कह रहे फिजिको केमिकल रिएक्शन क्यों बोला कल की क्लास की पहली लाइन ही ये थी तो बेटा जब आया करो ना तो पिछली कक्षा लगा के आया करो ऐसे नहीं समझ आएगा कि कभी भी आए मुंह उठा के बैठ गए क्लास में और हम सोच रहे हैं कि हमें समझ आएगा ऐसे नहीं आएगा पिछली क्लास लगा के आया करिए यस बताओ कौन सी और ये पीवाई क्यों पूछा मैंने ये मैंने पीवाई क्यों पूछा है आपने प्लांट को लाइट में से उठा के डार्क में रख दिया तो कौन सा रिएक्शन स्टॉप होगा दोनों स्टॉप होंगे एक स्टॉप होगा या बेटा कोई भी स्टॉप नहीं होगा हां जी बोथ स्टॉप हो जाएंगे यस बोथ स्टॉप हो जाएंगे आ हा 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 वेरी गुड वेरी गुड प्रभा प्रभा विद द राइट आंसर बोथ स्टॉप वाले सब बच्चे गलत सब बच्चे आधे गलत मतलब अल्टीमेटली गलत अगर आप बेटा किसी भी एक प्लांट को जो कि पहले लाइट में था उसको आप उठा के डार्क में रख दोगे तो बेटा लाइट रिएक्शन तो उसी समय स्टॉप हो जाएगी लाइट विल स्टॉप इमीजिएटली क्योंकि लाइट तो डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है ये तो बिना लाइट के हो ही नहीं सकती दिस विल स्टॉप इमीजिएटली लेकिन बेटा ये जो डार्क रिएक्शन है थोड़ी देर चलेगी क्यों क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन मैं लिख देती हूँ इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन पे बेटा ये डिपेंडेंट है मतलब जब तक लाइट रिएक्शन का सामान इसके पास रहेगा तब तक चलेगा थोड़ी देर तो रहेगा थोड़ी देर तो रहेगा उसने ए और एन बनाए और इसको दे दिए ये कुछ देर तो रहेगा अंधेरे में रखोगे तो लाइट तो इमीजिएटली स्टॉप हो जाएगा बट डार्क विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम डार्क भी रुकेगी लेकिन आफ्टर सम टाइम क्योंकि कुछ समय के लिए इसके पास ये प्रोडक्ट्स प्रस्तुत होंगे ठीक है जी तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले लाइट रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं तो लेट स्टार्ट लाइट रिएक्शन इन डिटेल ये जो अभी हमने डिस्कस किया बेटा पी वाई क्यू है ये क्या है है पी वाई क्यू है। तो लाइट रिएक्शन की बात करते हैं अभी बताया कहां पर होगा ऑफ बेटा अब जो पोर्शन आने वाला है ना अब जो पोर्शन आने वाला है उसमें बेटा तुम्हारे दिमाग के सारे के सारी चीजें खुल जानी चाहिए क्यों क्योंकि अभी हम एक्चुअल लाइट रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम मैं आपको साइकिलिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कराऊंगी जिसके लिए मुझे आपका हंड्रेड परसेंट अटेंशन चाहिए ठीक है अगला आधा घंटा यस अगला आधा घंटा बेटा आपका हंड्रेड परसेंट मुझे अटेंशन चाहिए क्या दे सकते हैं डर गई मैं खुद अपनी आवाज से डर गई बेटा कल का पीडीएफ भेज चुकी हूं मैं कल का पीडीएफ मैं भेज चुकी हूं होम में भी हिचकी बेटा बहुत ज्यादा खतरनाक है आई हैव सेंड कल का पीडीएफ यस ठीक है कल का पीडीएफ बेटा मैंने भेज दिया था कल ही भेज दिया था आज नहीं कल ही भेज दिया था यस yes. चलिए तो बात कर रहे थे यार आई वॉज आस्किंग फॉर योर अटेंशन फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा ट्वेंटी फाइव मिनट्स नेक्स्ट ट्वेंटी अटेंटिव रहिए तो लाइट रिएक्शन बेटा कर रहे हैं लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है मेबरन ऑफ था में हो रहा है इसका काम क्या है इतनी इंपॉर्टेंट हम बोल रहे हैं कि डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है जब तक सूरज की रोशनी रहेगी तब तक लाइट रिएक्शन रहेगी बेटा इसका काम है कुछ सिंथेसाइज करना एंड इट सिंथेसाइजेस क्या सिंथेसाइज करता है बेटा ये एस मिलिट्री पार क्या नाम लिख रही हो बेटा मैं एससी मिलिट्री पावर अगर तुम्हें बनानी है वो कौन सिंथेसाइज करेगा लाइट रिएक्शन करेगा ये जो एस्टिमिलेटरी पावर वाला टर्म है टर्म इज गिवन बाय गि ठीक है इस एस्टिमिलेटरी पावर में दो चीजें आती हैं पहली चीज आती है बेटा जी ए दूसरी चीज आती है एन ए डी पी एच ए टी पी एंड एन ए डी पी एच ए टीपी किस चीज का काम करेगा ए एक्ट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी इससे बेटा खूब एनर्जी आएगी और एन ए डी पी एच एक तरीके का रिड्यूसिंग पावर है क्या है बेटा जी ये रिड्यूसिंग पावर है तो एसिमिलेटरी पावर में दो चीजें हैं एटीपी और एनएडीपीएच बनाना है यानी कि बेसिकली डार्क रिएक्शन को यही एटीपी और एनएडीपीएच तो चाहिए तभी तो हम बोल रहे हैं दिस इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन तो लाइट रिएक्शन ने दो आइटमें बनाई और बेटा किसको भेज दी डार्क रिएक्शन को भेज दी अब यार ये एटीपी बनेगा कैसे लाइट रिएक्शन में एटीपी किस प्रोसेस से बनेगा ये प्रोसेस बेटा बड़ी बड़ी आता है इस चैप्टर में दिस इज कॉल्ड एज केमी ऑसमोसिस हम करेंगे अभी इसका नाम है केमी ऑस्मोसिस या फिर इसको क्या बोलते हैं फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट की प्रस्तुति में अगर मैं एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला दूं तो वो बन जाएगा फॉस्फोराइलेशन इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटो फॉस्फो फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि लाइट की प्रेजेंस में तुम एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला दो तो क्या बन जाएगा बेटा एटीपी नहीं बनेगा है ना एटीपी नहीं बनेगा तो एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस चलाएंगे उसका नाम है केमी ऑस्मोसिस बनाने के लिए जो प्रोसेस चलाएंगे उसका नाम है ईटीएस दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये आज ही चलाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक है जी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपने लोग एन ए डी पी पॉजिटिव को रिड्यूस करके बना देंगे एन ए डी पी एच समझ आया अल्टीमेटली मेरा एम क्या है मेरा एम है एन ए डी पॉजिटिव को एनए डी पी पॉजिटिव को पी लिख लो यार यहाँ पे एन ए डी पी पॉजिटिव को ये रहा एन पॉजिटिव को रिड्यूस करके बेटा क्या बनाना है रिड्यूस करके बनाना है एनडीपीएच तो ये मेरा पर्पज है एनएडी ये मेरा पर्पज है बेटा ईटीएस का तो एसिमिलेटरी पावर में दो चीजें बनानी है एटीपी एंड एनएडीपीएच एटीपी बनाने के लिए केमी ऑस्मोसिस किया जाएगा यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन किया जाएगा और एनएडीपीएच बनाने के लिए एनएडी पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे कि भैया तू क्या बना दे एन बना दे जब ये दोनों चीजें बन गई तो ऐसे मिलिट्री पावर तैयार लाइट रिएक्शन खत्म और ये दोनों दे, दे देंगे हम डार्क रिएक्शन को किसको दे देंगे डार्क रिएक्शन को तो आज बेटा पहले अपने क्या डिस्कस करेंगे ईटीएस डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक है रेडी फॉर ईटीएस बेटा बड़ा ही भड़कीला लगता है जब हम इसको खुद से एनसीआरटी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है यार बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है लेकिन आज तुमने अगर मेरी एक एक सुन सुन ली एक सुन ली एक-एक एक-एक तो तो बेटा तुम्हारा तुम्हारा सारी चीजें तुम्हें हो जाएगी हर निकलने लगेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहां चलेगा लाइट रिएक्शन का पार्ट है तो मेमब्रेन ऑफ थान ऑफ था में होगा ठीक है अगर मैं देखो इस डायग्राम को तो ये सारा सिस्टम इसको जूम करके देखो बेटा सब कुछ यहाँ है पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहीं पे चल रही है यहाँ पे ठीक है ये में 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 नहीं चल रही। में नहीं चल 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 रही है? में चल रही 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 स्ट्रोमा है है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर भेजना है बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन को एक जगह से उठा के दूसरे आपने पासिंग द पार्सल गेम खेली है जब जन्मदिन होता था भैया हमारे जन्मदिन पर तो ऐसा होता था जब हम छोटे थे तो हमारे जन्मदिन पे बेटा गेम खेली जाती थी पासिंग द पार्सल और आपने इस गेम को देखा होगा उस मूवी में उहू उहू कौन सी मूवी है हम आपके हैं कौन देखे नहीं देखा चलो तुम्हारे जमाने की मूवी नहीं है बहुत ही पुरानी मूवी है वो मूवी तब आई थी जब मैं पैदा हुई थी तो इट्स वेरी ओल्ड मूवी है खेला yes. तो यहां भी इलेक्ट्रॉन का पासिंग द पार्सल चल रहा है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा दूसरा तीसरे को देगा तीसरा चौथे को देगा ठीक है जी पासिंग द पार्सल खेलना है किसका इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो अपने लोग कराते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल के मुताबिक ऐसा नहीं है कि सब बच्चे लाइन में बैठ के ए बी सी डी लाइन में बैठ गए ए बी को देगा बी सी को देगा नहीं इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो मूव हो मूवमेंट होगा रेडॉक्स पोटेंशियल के अगे, अगेंस्ट यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल के अगेंस्ट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को लूज करूं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूं यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मुझे करना क्या है इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है कैसे मूव कराना है बिना पैसे दे मूव कराना है यानी कि अपने चाहते हैं कि इसका डाउन हिल मूवमेंट हो क्या हो डाउन हिल मूवमेंट हो किसका इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर फ्रॉम कैरियर टू कैरियर चार पांच कैरियर रख दिए हमने एक दूसरे को देख रहे दूसरा तीसरे को दे रहा है और कौन किसको दे रहा है बेटा जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल लो है ना वो दे रहा है आसानी से किसको जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल हाई है तो दिस मूवमेंट इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स पोटेंशियल रिडॉक्स पोटेंशियल ठीक है अब जिसका रिडॉक्स यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है बेटा ये चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना जिसका रिडोक्स पोटेंशियल हाई है है ये चाहता इलेक्ट्रॉन को गेन करना यानी कि लो वाला किसको देगा बिना पैसे लिए हाई को बेटा लो तो चाहता ही है भैया ले जा ले जा मेरे से इलेक्ट्रॉन हाई कहता है भैया मुझे दे 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 यानी कि जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कहां से कहां लो टू हाई मूवमेंट होगा सो द मूवमेंट विल हैपन ठीक है है? जी, low वाला आसानी से किसको दे देगा, high को दे देगा? इस movement को को इस हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी energy नहीं लगती। ये कैसे different है? ये कैसे कैसे बेटा? तुम बोलोगे ट्रांसपोर्ट इन में आपने बोला था कि कंसंट्रेशन हाई टू लो हो तो डाउन हिल होता है कंसंट्रेशन सिंपल डिफ्यूजन में हाई टू लो हो तो डाउनहिल होता है लेकिन यहां पे मैम आप क्या बोल रहे हो यहां पे मैम आप बोल रहे हो कि रिडॉक्स पोटेंशियल लो टू हाई हो तो डाउनहिल होता है क्यों क्योंकि ये डिफरेंट है उससे लो लो रिडॉक्स पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू लूज लूज कैसे याद करोगे एल एल फॉर फॉर भैया तो ले जा बिना पैसे ले ले जा मैं तो चाहता ही हूं देना हाई वाला क्या करेगा उसको गेन कर लेगा तो ये डिफरेंट है इस पर फोकस करना है रट्टे नहीं मारने रट्टे नहीं मारने की हमेशा डाउन हिल हाई टू लो होता है नहीं बेटा

NADPH तभी बनेगा, अगर तुम एन ए डी पी पॉजिटिव को क्या दे दोगे इलेक्ट्रॉन दे दोगे यानी कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है इसने आखिर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनएडीपी बना देना अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लियर हो गया अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है आपका एनएडीपी पॉजिटिव याद रखने है बेटा यस और ये सब कार्य करके ये इलेक्ट्रॉन को इधर-उधर भेज के एक से दूसरे में एक से दूसरे से तीसरे में पासिंग द पार्सल चल रहा है चल रहा है ये सब करके हम करना क्यों चाहते हैं पर्पस तो पता होना चाहिए जिंदगी में कि गेम खेल रहा हूँ पासिंग द पार्सल क्यों खेल रहा हूं भैया मजा आ रहा है इसीलिए खेल रहा हूँ ये लोग इलेक्ट्रॉन को क्यों भेज रहे हैं इनको मजे नहीं आ रहे बेटा ये कुछ करना चाहते हैं इनका अल्टीमेट पर्पज है प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट करना प्रोटोन ग्रेडियंट मतलब ल्यूमेन और स्ट्रोमा के बीच में प्रोटोन की कंसेंट्रेशन में अंतर क्रिएट करना ये पूरी चेन का यही पर्पज है और इसी पर्पज से मैं ए टीबी बना के दिखाऊंगी सो द होल पर्पज ऑफ दी एस इज गोइंग टू बी टू क्रिएट प्रोटोन ग्रेडियंट किसके बीच में बिटवीन दो चीजें स्ट्रोमा एंड ल्यूमन बिटवीन द ल्यूमन ऑफ एंड स्ट्रोमा प्रोटॉन ग्रेडियंट अपने कैसे क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा वही एनर्जी देगा इस प्रोटॉन के ग्रेडियंट को क्रिएट करने में मैं सिर्फ बैकग्राउंड बना रही हूं अभी जब मैं आपको ईटीएस बनाकर दिखाऊंगी तब आपको एक एक चीज समझ आएगी एक एक चीज बेटा समझ आएगी हाँ जी बनाओ बनाए बेटा यस वेरी गुड भारती अंगद जो बच्चे पढ़ रहे हैं असलीम पढ़ रहे हैं और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना इनकी प्लस की क्लास भी है मुझे पता है अगली क्लास है बेटा रेप्लीकेशन का प्रोसेस समझाना है प्लस में जेनेटिक्स चल रहा है प्लस में क्या चल रहा है जेनेटिक्स चल रहा है बेटा इट इज गोइंग टू बी बजे है ना अपनी प्लस में हाँ तो जेनेटिक्स देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं आपका यू नो दैट रेप्लीकेशन राइट तो अच्छी बात है यार दिमाग चलाते रहो दिवाली की छुट्टियों वाली बात याद रखना चलिए बात करते हैं नॉन नॉन साइक्लिक ETS की. या फिर इसको बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब अपने ने यहां पर एटीपी तो तो है लाइट 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 की प्रेजेंस में तो लाइट, लाइट रिएक्शन का ही पार्ट सबसे पहले मैं यहां पर रिडोक्स का स्केल बना लेती हूँ रिडोक्स पोटेंशियल का यहां पे मान लीजिए मैंने जीरो ले लिया आपके आ, उसके लिए बना रही हूँ नीचे जब आ रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं जीरो दो सो छो आठ सौ ऊपर जब जा रहे हैं तो कम हो रहा है माइनस दो सौ माइनस चार सौ माइनस आठ सौ यानी कि ऊपर वाले का रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है कम है नीचे वाले का क्या है ज्यादा है मतलब लो टू हाई हम देंगे तो पैसा लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि लो वाला चाहता है एल फॉर लो एल फॉर लूज वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है हाई वाला एक्सेप्ट करना चाहता है मतलब अगर तुम ऐसे मूव करोगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा डाउन हिल मूवमेंट अगर तुम ऐसे मूव करोगे तो बेटा पैसा लगेगा अपहिल मूवमेंट ओके okay, जी तो लो टू हाई जो मूवमेंट होती है वो डाउन हिल होती है तो शुरुआत करते हैं बेटा नॉन साइकिल की इसमें दोनों सिस्टम इन्वॉल्व है two and one. जी तो यहाँ पर काफी बड़ा बेटा पेज पूरा ले लेना इसमें ना अपनी कॉपी को जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी है इस कॉपी को तुम ऐसे लिख रहे थे अब इसको ऐसे करके लिखना लैंडस्केप मोड में लिखेंगे बेटा काफी सारा लिखना है क्योंकि हमने इस पेज पे ठीक है लैंडस्केप मोड में लिखेंगे ऐसे नहीं लिखेंगे ऐसे नहीं लिखेंगे ऐसे लिखेंगे पेज को ऐसे कर लो पोर्ट्रेट मोड में नहीं करेंगे यस चलिए करें हां जी गहरी सांस ली और, और बैठा, अंदर घुसाइए सबसे पहले शुरू करते हैं पीएस टू से यस सो हे आर आई है का रिएक्शन सेंटर कहां पे था सिक्स एटी नाइनोमीटर पे यहां पे बना देते हो पीएस वन मतलब सबसे पहली चीज आ गई नॉन साइक्लिक के अंदर पी वन भी है और पीएस टू भी है यानी कि ये कहां पर हो सकता है किसके पास ये दोनों है ये बेटा ग्रेनाथाइलेकोइड के पास ही स्ट्रोमा थाइड के पास तो दोनों है ही नहीं स्ट्रोमाथाइलेकोइड के पास तो सिर्फ है है ना सिर्फ उसके पास क्या है वन है तो पीएस टू के ऊपर पड़ी लाइट लाइट रिएक्शन है तो भैया लाइट पड़ेगी जी इसके ऊपर बेटा खूब बड़ी क्या बड़ी लाइट इसने बेटा मैक्सिमम तक की लाइट कर ली। यहां पर मैं 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 को को और क्या लिख सकती हूं? मैं लिख सकती सकती सर्कल थोड़ा अलग है थोड़ा अलग है तो इसको ध्यान देना ये क्या है? पी एस सिक्स लाइट एब्सॉर्ब करी मैक्सिम यह सिक्स एटी तक की कर सकता है

ठीक है किसको फिओफाइटिन को किसको बेटा फिओिन को भी मैं फुल फॉर्म लिखवा दूंगी तुम्हें इसने क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से दिए नहीं क्योंकि हाई रिडॉक्स पोटेंशियल वाला आदमी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है वो तो चाहता है मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूं बट लाइट की वजह से बेटा इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़े कितने इलेक्ट्रॉन दिए बेटा इसने फोर इलेक्ट्रॉन दिए तो ये मूवमेंट क्या अपहिल हुआ क्या डाउनहिल हुआ नहीं ये मूवमेंट क्या हो जाएगा बेटा अपहिल ये मूवमेंट कैसा है अफिल. क्योंकि बिना चाहत के हमने movement कराया high redox potential वाला देना नहीं चाहता है बट फिर भी लाइट पड़ने की वजह से हमने इसको करा कि तू इलेक्ट्रॉन को निकाला, निकाल इलेक्ट्रॉन दिए चलो जी इलेक्ट्रॉन ऊपर चल गए किसके पास चले गए पीएच के पास चले गए ये पीएच कौन है लिखते जाओ बेटा ये पीएच कौन है पीएच इज इस फाइटिन. फाइटिन इसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एले को एक्सेप्ट किया तो इट इज प्राइमरी एक्सेप्टर

So, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है वॉटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ना हमने कहा देखा हमने अभी डिफरेंस लिखा था यहां देखा था कि पीएस टू के साथ डिफरेंस में देखो क्या जुड़ा हुआ है वॉटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स तो भैया जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये कह रहा है कि मेरे बचे हुए इलेक्ट्रॉन मुझे वापस करो ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे पानी को तोड़ के आएंगे तो भैया ये पानी को तुड़वाएगा वॉटर को तोड़ेगा तो चार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो चार इलेक्ट्रॉन बेटा इसको देंगे तब इसको शांति आएगी तब इसको शांति आएगी ठीक है ये जिंदा नहीं रहने देगा किसी को तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ था वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा वाटर को तुड़वाएगा कितने दो वाटर को इसने तुड़वाया और क्या निकला बेटा चार इलेक्ट्रॉन निकले जान में जान आई पीएस टू के प्लस क्या निकले चार प्रोटॉन भी निकले और साथ में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला ठीक है जी तो सबसे पहले पी एस टू ने एक्साइट होकर अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया चार दे दिया तो अब इसको चार की भरपाई करनी थी चार की भरपाई किसने करवाई इसने इसने बेटा वाटर को तुड़वाया वाटर को तुड़वाने के बाद ये जो चार इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना ये चार इलेक्ट्रॉन इसकी भरपाई कर देंगे कि भैया तूने दिए थे ले भाई पकड़ वापस पकड़ अपने इलेक्ट्रॉन हमें नहीं चाहिए और ये ऑक्सीजन भेज दिया हमने आपके स्टोमेटा को बाहर आ गया हम जैसे ह्यूमंस ने यूज कर लिया और ये फोर एच पॉजिटिव किसके पास चला गया आपकी स्ट्रोमा के पास चला गया ठीक है स्ट्रोमा में हम स्टोर करके इसको बैठ गए तो फी ओफाइटिन तक बात जो हो गई वो क्लियर हो गई ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है किसका बनता है मैंगनीज क्लोराइड आयन एंड साथ में फ्यू ट्रेसिस ऑफ कैल्शियम ये मैं मिनरल न्यूट्रिशन में वैसे पढ़ाऊंगी बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक पी वाई क्यू है कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किसका बनता है मैंगनीज का बनता है क्लोराइड आयन का बनता है और फ्यू कैल्शियम का बनता है. जी, के बाद, अब बेटा किस पे है फियोफाइटिन है लो रिडॉक्स पोटेंशियल पे लो वाला चाहता है लूज करना कि भैया ले ले, ले दे, दे, दे दे लो वाला दे, दे देगा फटाफट से तो बेटा फियोफाइटिन इन्हीं चार इलेक्ट्रॉन्स को आगे देगा चार इलेक्ट्रॉन्स को आगे देगा किसको देगा को PQ, मैं इनकी फुल फॉर्म अभी लिखूंगी को कितने दिए वही चार इलेक्ट्रॉन दिए देन बेटा वही चार इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास दैट इज साइटोक्रोम बीसिक्स एफ देन बेटा यही चार इलेक्ट्रॉन उठ के आ जाएंगे प्लास्टोसाइन के पास ठीक है ये प्लास्टोसाइन इन्हीं चार इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा पी टू के पास तो डंडी चलती हुई आ रही है

लो टू हाई आसानी से जा सकता है आसानी से जा सकता है तो यानी कि ये जो मूवमेंट है ये कैसा मूवमेंट है बेटा क्या ये अपहिल है नहीं बेटा ये मूवमेंट क्या है डाउन हिल मूवमेंट है ये कैसा है डाउन हिल खुद से हो जा रहा है है ना बेटा ये कैसा है डाउन हिल तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं उससे पहले बेटा जब तक हम कर रहे हैं अभी हमारी चल रही है वो लेकिन फुल फॉर्म हमें पहले लिखना जरूरी है फ्यू फाइटिन हो गया देन पी क्यू पी क्यू क्या है प्लास्टोनॉन प्लास्टो प्लास्टोक्नॉन ये क्या है एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है लेकिन प्लास्टो प्लास्टोक्नॉन बड़े काम का है क्यों बेटा ये एक प्रोटॉन कैरियर भी है जिस प्रॉपर्टी को अपने लोग यूज करेंगे जो स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन ल्यूमन के अंदर आइन भर देगा देन आपके पास आता है साइटोक्रोम बी सिक्स एफ साइटोक्रोम लिख लें साइटोक्रोम बी सिक्स एफ हमने लिखा देन प्लास्टोसाइन

एस वन के ऊपर भी लाइट आई बहुत खूब सारी लाइट आई है देखो पी एस वन जो है इसको कर ले। हाँ जी पी एस वन के ऊपर भी लाइट गिरी इसलिए बेटा मैक्सिमम 700 नैनोमीटर की लाइट को कर लिया मैक्सिमम 700 ही कर सकता है ठीक है इसने कर लिया इसनेब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर भी खलबली मची इसने भी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए इसने भी बेटा क्या किए इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और ये इलेक्ट्रॉन किसको दिए एफ ई एस को दिए ये किसको दिए एफई एस को दिये. तो एफ इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर पी एस वन है ना जी तो एफ क्या है primary acceptor है किसका of electrons for PS1. PS2 के लिए कौन था Phyophyton. इसके लिए कौन है एफ एस अगर तुम नोटिस करोगे तुम हाई रिडॉक्स पोटेंशियल टू लो में जा रहे हो यानी कि ये जो मूवमेंट है ये भी क्या है अपहिल मूवमेंट है तो पहले तुम अपहिल गए फिर तुम डाउन हिल गए फिर तुम अपहिल चले गए ठीक है जी अब तुम जरा सोच के बताओ पी वन से जब इलेक्ट्रॉन निकला क्या इसको भरपाई करने की जरूरत है क्या इसको भरपाई करने की जरूरत है बताओ क्या इसको भरपाई करने की जरूरत है बेटा इसको भरपाई की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है कितना निकल रहा है चार इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये चार इलेक्ट्रॉन पीछे से मिल भी तो गया पीछे से बेटा इसको मिल गया इसको भरपाई की कोई जरूरत नहीं है तो यहां पर पानी नहीं तोड़ेंगे दोबारा क्योंकि इसकी पीछे से भरपाई हो चुकी है ठीक है जी अब एफ ई एस इस इलेक्ट्रॉन को दे देंगे नीचे किसके पास एफ एन आर के पास एफ एन आर कॉम्प्लेक्स है इसका फुल फॉर्म भी बेटा मैं यहां पर लिख लेती हूँ फेरीडॉक्सिन एन एडीपी रिडाक्ट कॉम्प्लेक्स एन ए डी पी डाक्टेस कॉम्प्लेक्स ठीक है फेरिडॉक्सिन रिडाटेस कॉम्प्लेक्स ठीक है जी इसने किसको दे दिए यही चार इलेक्ट्रॉन एफ को एफ एनआर बेटा यही चार इलेक्ट्रॉन दे रहा है एन ए डी पी पॉजिटिव एन ए डी पी पॉजिटिव को जब इस एन ए डी पी पॉजिटिव को ये चार इलेक्ट्रॉन मिले तो बेटा इसके साथ जुड़कर इसने बनाया एन ए डी पी एच क्या बनाया बेटा दो एन ए डी पी एच बना दिए यस बेटा जी क्या बनाया इसने दो एन ए डी पी एच बना दिए क्या ये बात समझ आई बताओ क्या ये बात समझ आई अल्टीमेटली मैं यही तो बनाना चाहती थी अगर तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम एन ही चाहते थे हम चाहते थे किसी तरीके से एन पॉजिटिव को बस इलेक्ट्रॉन मिल जाए अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो एन बना देगा जो कि एक मिलिट्री पावर का हिस्सा है तो बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करा करा के करा करा के मैंने यहां पर दो एन बना ही दिए साथ ही में टू पॉजिटिव भी यस yes, ये जो मूवमेंट है यहां पर जो मूवमेंट हुआ है अगेन दिस इज डाउन मूवमेंट यस तो पहले बेटा अपहिल यस, डाउन हिल फिर अपहिल एंड देन फिर से क्या हो गया डाउन हिल मूवमेंट अगर तुम नोटिस करोगे तो एक तरीके से एक तरीके से ये देखो यस yes, ये क्या बन रहा है ये जेड नहीं बन रहा ये जेड की शेप नहीं बन रही बेटा ऊपर गए फिर नीचे आए फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर नीचे आए. तो बेटा डजेंट इट लुक लाइक Z? यस yes, क्या ये जेड की तरह नहीं दिखता है Z की तरह नहीं दिखता है दिख रहा है भैया ये Z की तरह दिख रहा है इसीलिए इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं बेटा Z स्कीम और ये जो डाउन हिल है ना यही है तुम्हारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यही पासिंग द पार्सल चल रहा है पासिंग द पार्सल चलेगा तभी बेटा एनर्जी आएगी उसी एनर्जी से अल्टीमेटली प्रोटॉन ग्रेडियंट क्लियर क्रिएट होगा क्या होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट मैंने तुम बताया था अल्टीमेटली मैं इससे एनर्जी लेके आऊंगी और प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट करूंगी तो प्रोटोन ग्रेडियंट एक्चुअल में कौन क्रिएट कर रहा है बेटा ये इसको हम कर देते हैं इस कलर से प्रोटॉन ग्रेडियंट कौन क्रिएट कर रहा है प्लास्टो ये देखो बाहर से प्रोटॉन को लेकर आकर अंदर ल्यूमेन में छोड़ दे रहा है और इसको इस काम के लिए एनर्जी कहां से मिली इसको मिली इसी इलेक्ट्रॉन को पास करने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने जनरेट की एनर्जी और इस एनर्जी से इसने बाहर से स्ट्रोमा से H प्लस लिया और ल्यूमेन में डाल दिया तो ग्रेडियंट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ यस बेटा ग्रेडियंट क्रिएट हुआ या फिर नहीं हुआ अब ये जितना प्रोसेस एफ एन आर के बाद वाला है इस प्रोसेस का लोकेशन जो है वो है स्ट्रोमा यस yes.

ये हाँ, ये रहा डायग्राम देखिए वाटर के जो स्प्लिटिंग है वो अंदर हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर चल रही है मेम्ब्रेन में चल रही है ठीक है और एनएडीपी रिडक्टेस इस साइड पे बना है इस साइड पे बना है यानी कि स्ट्रोमा के साइड पे बना है यस स्ट्रोमा के साइड पे बना है याद हो गया तीन चीजें इमेजिन करो पत्ती पत्ती के के अंदर क्लोरो प्लास, क्लोरो प्लास के अंदर, अंदर तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट और बीच में ये मेम्ब्रेन ऑफ था में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है ठीक है इसका आदान प्रदान हो रहा है तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकले रिजल्ट बेटा जी क्या निकले रिजल्ट निकले कि नॉन नॉन साइक्लिक साइक्लिक ईटीएस ईटीएस से से थ्री एटीपी बनते हैं अब ये याद कैसे बनते हैं तुम्हें याद नहीं करना ये बीएससी एमएससी लेवल की बात है थ्री एटीपी बन जाते हैं दो एन ए डी पी एच भी बनते हैं दो वाटर भी इन्वॉल्व होते हैं एक ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है और चार एच पॉजिटिव भी रिलीज होते हैं जो कि ल्यूमेन में अपने लोग स्टोर कर लेते हैं चार इलेक्ट्रॉन तो है ही तीन एटीपी दो एन ए डी पी एच दो पानी एक ऑक्सीजन का इवॉलमेंट ये नेट है बेटा वॉट इज द रिजल्टेंट दिस इज द रिजल्ट ऑफ नॉन साइक्स और अल्टीमेटली क्या बन जा रहा है ना एंड एन ए डी पी एच और ये सिंथिस कहा पर हो रहा है ये हो रहा है स्ट्रोमा में कहा बन जा रहे हैं बेटा स्ट्रोमा में इटीएस चलती है मेमब्रेन में लेकिन ये दोनों कहाँ बन रहे हैं स्ट्रोमा के अंदर बन रहे हैं अगर कोई पूछ ले स्प्लिटिंग कहाँ पर हो रही है तो तुम बोलोगे ल्यूमेन में हो रहा है ऑक्सीजन कहाँ बन रहा है ल्यूमेन में हो रहा है यस बेटा क्लियर हुआ अब ये कुछ ये टॉपिक ऐसा है जो कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि यार ये क्या हो रहा है बड़ा ही घुजर मुचर हो गया सामने स्क्रीन पे। बट बेटा एक बार तुम इस लेक्चर को दोबारा सुनोगे या फिर इसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर बेटा जब इसको दोबारा रिवाइज करने बैठोगे ना एक एक पॉइंट तुमको क्लियर होता जाएगा एक एक पॉइंट बेटा क्लियर होता जाएगा ठीक है जी यस ओके आदित्य बेटा आप क्लास से जा सकते हैं फिर आप जा सकते हैं क्लास से कोई बात नहीं आपको ऐसा लगता तो आप क्लास से जाइए है ना कोई दिक्कत नहीं है बेटा जिसको लगता है कि भैया ये मेरे लिए सफिशियंट नहीं है मुझे इससे ज्यादा चाहिए तो बेटा मुझे लगता है कि मैं आपको NCRD से भी ज़्यादा पढ़ा रही अगर आपके सवाल ना निकले तो बेटा आप क्लास छोड़ के जाइए कमेंट्स में लिखिए कुछ भी करिए लेकिन मुझे अपने काम पे भरोसा है है ना आदित्य तो बेटा यू कैन लीव यू कैन लीव ओके यस तो इस पूरी स्कीम को मैंने क्या बोला इस पूरी स्कीम को बेटा हमने बोला जेड स्कीम क्योंकि बेटा अपने जेड बना दिया था यस yes. नाम किसने दिया था रॉबर्ट हिल ने दिया था दिस नेम वाज गिवन बाय रॉबर्ट हिल पी टू से ऊपर फिर नीचे पी वन पे फिर ऊपर फिर क्या हो गया नीचे सो दिस होल इज कॉल्ड एज स्कीम ओके जी चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मूविंग ऑन टू साइक्लिक साइक्स किस पे चलेंगे साइक्लिक बस छोटा सा बेटा साइक्लिक तो बड़ी छोटी सी है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन भी बोला जाता है अब साइक्लिक में वापस आ जाना है देखो यहां पर तो ऐसा साइकिल नहीं चल रहा था वहां पर तो ऐसे Z Z Z Z जिगजैग चल रहा था वापस नहीं आ रहा था मामला यहां पर वापस आ जाना है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्वड है कौन है PS1 तो ये कहां होगी

कौन है बेटा एफ एस अब ध्यान देना है ये FES से FNR को नहीं देगा ये से आगे नेक्स्ट को दे देगा और इसका नेक्स्ट प्लास्टो क्युनौन। प्लास्टो क्युनौन के बाद बेटा इसने दिया B6F को यहां से इसने दिया नेक्स्ट मोबाइल कैरियर को प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से यही चार इलेक्ट्रॉन वापस फोकस करेंगे यही चार इलेक्ट्रॉन बेटा वापस तो जहां से चले थे वहीं पे मुड़ के वापस आ गए तो एक चक्रा बन गया इस चक्कर को क्या बोलते हैं इस पूरे चक्कर को क्या बोलते हैं बेटा जी साइकिल साइकल बन गया ना चक्कर पे पहुंच गए तो पॉजिटिव के पास नहीं जा रहा है एफ ई एस इलेक्ट्रॉन कैरियर को ही दे रहा है प्लास्टोन को यहां पर पानी को तोड़वाने की जरूरत है नहीं है क्योंकि बेटा जो इसका लॉस हुआ था फोर इलेक्ट्रॉन का वो फोर इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गए है ना वो चार के चार इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गए तो पानी तोड़वाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और इसी ईटीएस में क्या निकलते हैं एटीपी तो ए प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फिट जुड़ के क्या बना लेते हैं एटीपी तो एटीपी बन गए मतलब यहां पर भी एटीपी बने थे बेटा इस ईटीएस में यहां पर भी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बना था भी एटीपी बना मतलब साइक्लिक वाले में भी एटीपी बनता है नॉन साइक्लिक में भी एटीपी बनता है अंतर क्या है नॉन साइक्लिक में एटीपी के कहीं एन साइक्लिक में कहीं एच दिख रहा है नहीं दिख रहा यहां पर एन नहीं बन रहा है मतलब अगर मैं डिफरेंस करूं किसके बीच में साइक्लिक साइकिल ठीक है और नॉन साइक्लिक ETS में हाँ जी साइक्लिक ईटीएस और नॉन साइक्लिक साइक्लिकटीएस में तो सबसे पहले कौन सा पीएस है साइक्लिक की बात करें ओनली पी एस वन इज इन्वॉल्व यहाँ पर बेटा पीएस वन भी है और पीएस टू भी है बड़ी सी है ना स्कीम जेड स्कीम दोनों इन्वॉल्व है देन लोकेशन की बात करें अगर मैं बात करूं पी एस वन की तो कौन से वाले थाइलेकॉइड में है ये अकेला कहाँ प्रेजेंट होगा स्ट्रोमा थाइलेकॉइड में तो इसका लोकेशन है स्ट्रोमा लेमेले या फिर स्ट्रोमा थाइलेकॉयड और ये कहाँ मिलेगा घराना थाइलेकॉइड में है ना क्योंकि ग्राना के पास दोनों है, है। साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी बन रहा था एटीपी सिंथेसिस हो रही थी सिर्फ एनएडीपीएच नहीं बन रहा था यहाँ पर एटीपी भी है और एनएडीपीएच भी है ठीक है जी साइक्लिक को क्या बाहर से एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है नहीं इसको देने की जरूरत थी सो इट रिक्वा डज नॉट रिक्वायर डज नॉट रिक्वायर आउटसाइड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको नहीं चाहिए लेकिन इसको चाहिए है ना नॉन साइक्लिक को चाहिए रिक्वायर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है जी साइक्लिक जनरली हम कब करवाते हैं कब प्रेफर करते हैं साइक्लिक यूजुअली हैपेंस यूजली है कंडीशन होती है ठीक है जी जब सीओ टू की पुअर अवेलेबिलिटी है अवेलेबिलिटी है जब बेटा लाइट भी कम है लो लाइट है मतलब जब गड़बड़ी वाला काम चल रहा है ना तब अपने क्या चलाते हैं साइक्लिक को चलाते हैं और जब बेटा गड़बड़ी वाला काम नहीं है नॉर्मल है है ना एरोबिक कंडीशन है एरोबिक कंडीशन है ठीक है जब खूब सीओ टू है हाई सीओ टू है और नॉर्मल लाइट है लाइट भी खूब है तब हम नॉन साइक्लिक कराते हैं मतलब हमारी कोशिश कौन सी है नॉन साइक्लिक कराने की क्यों क्योंकि नॉन साइक्लिक में दोनों आइटमें बन रही है ATP भी बन रहा है और एन ए डी पी एच भी बन रहा है है ना हमारी कोशिश क्या है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कराने की तो यहाँ पर डिफरेंस हुआ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में एक बार बता दो क्या ये चीज समझ आई और एक बारे बेटा बता दीजिए कल के लिए आप किस टाइम पे क्लास लेना चाहेंगे कल की क्लास तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है है ना कल हम डार्क रिएक्शन करेंगे तो कौन से टाइम पे बेटा क्लास चाहोगे यस yes. हां जी बता दो एक बजे सही है एक बजे सही है मॉर्निंग है एक बजे फाइन है बता दो आज तो बेटा बहुत सारी चीजें हो गई मीटिंग्स हो गई ये नया सेटअप हो गया यू you नो know, बहुत सारी चीजें हो गई आवाज़ नहीं आई यू नो अब मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगी तो आज हम इसीलिए डिले हो गया लेकिन क्या कल के लिए वन पी एम इज फाइन देखो बेटा मुझे एनर्जी चाहिए मुझे बच्चे चाहिए वो जो सीरियसली क्रैक करना चाहते हैं आई एम गिविंग माई हंड्रेड परसेंट बेटा आई एम गिविंग माई हंड्रेड परसेंट यस वन पी एम इज फाइन फाइन है कि नहीं यस और नो ओके और नॉट ओके ओके okay okay. और नॉट ओके और हां आज बेटा मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी कि तुम प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो बस आज मैं नहीं बोलूंगी अभी मत लो यस yes, ओके okay. ये नॉट ओके okay कौन है टेन एम नहीं बेटा टेन एम मुझे नहीं चलेगा ओके okay. सब बच्चे लाइक कर दो जो ओके हैं कम ऑन गाइड्स फास्टली लाइक द सेशन जो बच्चे ओके हैं हाँ जी मिनरल न्यूट्रिशन बेटा इसके बाद करेंगे इसके बाद करेंगे दिवाली को तो हो लेने दो दिवाली पे धमाकेदार चीजें तो हम कर लें मिनरल न्यूट्रिशन इसके बाद करेंगे ठीक है चलो बाकी बेटा मैं पोल करा लूंगी फिर इसका वैसे कल एक बजे की मैंने क्लास रख दी है स्केड्यूल्ड है अगर तुमको ज्यादा दिक्कत हुई तो हम इसको थ्री कर लेंगे बट मेरी कोशिश रहेगी मैं जल्दी से जल्दी कराऊँ ताकि तुम उसको रिवाइज भी करो बेटा मैं रात के नौ बजे कराऊंगी रिवाइज कब करोगे तुम नहीं कर पाओगे ना और बायो तो वैसे ही रात में नहीं करनी चाहिए आपको दस बजे के बाद कुछ नहीं पढ़ना चाहिए आइडियली यू शुड स्लीप ओके चलिए तो मिलते हैं बेटा कल की कक्षा में एक बजे अब बेटा मैं कुछ भी नहीं तुम्हें बोलने वाली हूँ कि प्लस लो प्लस ना लो आज के दिन तुम मैं सबको बोल रही हूं अगर आप प्लस लेने वाले हो ना एक बार मत लो रुक जाओ अगर तुम आइकॉनिक लेने वाले हो तो एक बार रुक जाओ इंतजार करो आज रात का आज रात अगर मैं बोलूंगी तो लेना नहीं तो मत लेना मत लेना ठीक है मत लेना यस yes. हाँ और स्पेशल क्लास का स्पेशल क्लास का बेटा जो स्केड्यूल है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे इसका पूरा स्केड्यूल बेटा मजे आने वाले दिवाली के टाइम में वी आर गोइंग तो टू हैव हाँ ह्यूज महा सीजन ऑफ स्पेशल क्लास जिसमें सब बच्चों को एनरोल करना है सब बच्चों को बेटा एनरोल करना है ओके okay. यस yes. हाँ आज बहुत लेट हो गया बेटा बहुत सारी चीज़ें थी बट कल होपफुली नहीं होगा मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको टाइम पे यू you नो know, आपका टाइम बहुत प्रेशियस है तो हम इसको टाइमली कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली आज का सेशन अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना है ना बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने समझाने की आपको कोशिश की है और इसको बेटा जितनी बारी हो सके बनाकर देखना करके देखना जितना तुम करके देखोगे ना उतना ही अच्छा तुम्हें समझ आएगा इस चीज को राइट right? समझ जाना लाइट रिएक्शन में क्या करें कल हम करेंगे डार्क रिएक्शन और आगे बढ़ाएंगे शुगर बनानी है ना अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाना है जब तक वो नहीं बनेगा तो कैसे बात बनेगी राइट right? हाँ पीडीएफ डाल दूंगी बेटा टेलीग्राम पे मजा आ गया तो कॉमेंट जरूर करना एंड यस आई सी यू टुमारो छुट्टी नहीं है बेटा दिवाली पे क्लास है क्लास होगी कल भी होगी परसों भी होगी उससे अगले दिन भी होगी हमने पढ़ाई रोकनी नहीं है कुछ हो जाए एक साल की दिवाली बेटा आपके आने वाली सारी दिवालियाँ चेंज कर सकती है ठीक है चलो जी बाय गाइस बाय थैंक यू सो मच